हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है, अमल करो तो तुम्हारा भला है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर वसीम अकरम साहब का सवाल है गुलबर्गा शरीफ से कि जो डॉक्टर्स को पेशेंट रिफ़र करने पर कुछ रकम हॉस्पिटल की तरफ से मिलती है, रिफरल अमाउंट, और ऐसे ही लैब और स्कैन सेंटर वाले भी डॉक्टर्स को कट देते हैं, ये लेना कैसा? असल में ये दलाली है और दलाली के लिए ज़रूरी है कि उसमें उसका कुछ अमल हो, दौड़ना धूपना चलना फिरना कुछ तो हो। आजकल जो डॉक्टर हजरात दवा लिखते हैं तो दवा लिखने की तो फीस लेते ही है, अब जब वो मेडिकल में भेजते हैं या फिर लेबॉरेटरी में भेजते हैं या फिर हॉस्पिटल में भेजते हैं तो वहाँ से जो उनको कट मिलता है तो ये लेना उनके लिए जायज़ नहीं है। जी हाँ, अब अगर ये अपने लिए जायज़ करना चाहते हैं तो दवा लिखने के बाद मरीज़ के साथ कुछ कदम चलें और बता दें कि अभी फला मेडिकल से लेना है, तो इस सूरत में जायज़ है। इसी तरह हॉस्पिटल की तरफ कुछ कदम चलें या लैब की तरफ कुछ कदम चलें, यानी कुछ तो इनका अमल होना चाहिए उसमें। अब दूसरी सूरत इसमें जायज़ होने की ये है कि अगर सामने वाले काफिर है तो फिर बिला शक्को शुबा उनसे लिया जा सकता है, यानी लेना जायज़ है, अगरचे अब इसमें इनका दौड़ना धूपना चलना फिरना ना हो। इसको अच्छी तरीके से जहन में रखें, और ऐसा नहीं है चला फिरा नहीं और सामने वाला भी मुसलमान है, हॉस्पिटल वाला या मेडिकल वाला या लैब वाला, तो अब लेना जायज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसने दवा लिखने की फ़ीस ले ली है।